नमस्कार भैया बहनी, अपना पंच देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। हिंदू धर्म के मुख्य त्योहारन माही मकर संक्रांति के त्योहार सूर्य के उत्तरायण होय पर मनावा जात हबे। जोने के खास बात यही बे कि यह बाकी के त्योहारन के नाई अलग अलग तारीखन पर नहीं मनाई जाए, बल्कि हर साल 14 जनवरी का मनाई जाती बे। जब सूरज भगवान उत्तरायण होय के मकर रेखा से गुजरा था, तब मकर संक्रांति के त्योहार मनावा जात हबे। यह एक ऐसा त्यौहार है जोने माही पूरे देश भर में अलग अलग नाम और रीति रिवाजन के साथ एक मनावा जात है। भैया बहनी, ए दिना माही पतंगा उड़ावे के अपन विशेष महत्व होत है। लोग आनंद और उल्लास के साथ पतंगबाजी करा था। आज पतंग प्रतियोगिता थी। ये भी जा रही दोनों भी आई देखो ये वो एक आगे की लड़की ये मकर संक्रांति के उपलक्ष में हिंदू उत्सव समिति धर्म परिवार द्वारा ये हमारा 21वां वर्ष है जो आयोजन कर रहे हैं हम लोग। कोविड नियमों का पालन करते हुए इस मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आप सभी को पत्रकार भाइयों को बधाई। रीवा एक संस्कृति है भाईचारा प्रेम, और यह मकर संक्रांति हिंदू वर्ष का नव वर्ष कैलेंडर का, और पतंग प्रतियोगिता में आज आप देख ही रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे नए बस स्टैंड से उपरैटी से भटा से भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। देश प्रदेश के साथ है रीवा माही कोरोना के बढ़त मरीजन के संख्या का देख के विश्वविद्यालय के आयोजित होने वाली परीक्षा के विरोध करें। कार्यकर्ता इकट्ठा हुई के कलेक्टर का ज्ञापन सौंपिन और कहिन कि 17 जनवरी से होने वाली ऑफलाइन परीक्षा का ऑनलाइन करावा जाए, जौने से के छात्र और छात्रा संक्रमित होए से बचे रहा। वहाँ विश्वविद्यालय प्रबंधन पहले कहे रहा कि अगर राज्य सरकार निर्णय बदली तो परीक्षा ऑनलाइन कराई जाए। राज्य सरकार अभी ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करावे के आदेश नहीं दिन, जौने के चलते विश्वविद्यालय ऑफलाइन परीक्षा के तैयारी कर रहा है। खैर, जैसन शासन के निर्णय हुई वही आधार पर परीक्षा आयोजित कराई जाए। एक बावजूद कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्ञापन पर ज्ञापन दे रहे हैं। आई सुनाई थे कार्यकर्ता के का कहा है। बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं और बुजुर्ग भी इसके चपेट में आते जा रहे हैं, और ये भयावह लहर तीसरी बार कोलैप्स ना करने पाए सिस्टम को, इसको रोकने के लिए, क्योंकि अभी जो ये हमारे साथ है। चेन्नई के अपोलो चले वाले लंबा इलाज के बाद रीवा महुगंज के बड़े काश्तकार धर्मजय सिंह के 50 वर्ष के उम्र में कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते मौत हो गई। अपना बताई दी कि उनकर परिजन दावा करें कि उनके इलाज में ही करीब 8 करोड़ रुपया खर्च भा। वहाँ मिली जानकारी के मुताबिक धर्मजय अप्रैल 2021 में ही कोरोना से संक्रमित भे और हालात पर सुधार न होए के चलते उनका 18 मई 2021 का एयर एम्बुलेंस से चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती करावा गया, जहां लंदन के डॉक्टर उनका मॉनिटरिंग करा रहे। करीब 254 दिन उनका इलाज चला और इस दौरान उनके परिवार के लोग इलाज के लाने कर्जा लेहिन। उनके इलाज में ही हर दिन लगभग 3 लाख रुपया खर्च हो रही। पैलाजे के दौरान उनका मंगलवार का ही देर रात के मौत हो गए। मैंने ये ज़रूर चाहा था कि सरकार जो है वो हमारी मदद करे, क्योंकि जो भी सरकार के पैसा है, के पास पैसा है, वो पब्लिक का ही पैसा है। सरकार का पैसा पब्लिक का पैसा है, और सरकार को चाहिए कि वो पब्लिक के लिए, खास तौर से स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए वो खर्च करे। लेकिन जब हमारा आवेदन गया तो उन्होंने 2 लाख रुपया और 2 लाख रुपया, कुल 4 लाख रुपया अस्पताल के खाते में भेज दिया। मैंने इसका प्रोटेस्ट भी किया, कोशिश किया कि आप 4 लाख मत दीजिए, इससे क्या हमारा बनेगा बिगड़ेगा, इससे तो कुछ नहीं। जब हमारा 3 लाख लगा, कम से कम 1.5-2 करोड़ आप दे। तो पता चला कि कैबिनेट में इनहेरेंट पावर है मुख्यमंत्री को, वो मुख्यमंत्री कितना भी दे सकता है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन उन्होंने ना तो कैबिनेट की बैठक बुलाई। भैया बहनी, बुलेटिन की अगली खबर नई गढ़ी के पकड़ा गांव से हबे, जहां सरहंग जमीन में अवैध रूप से कब्जा तक करबे भे, साथ है जमीन में लगे हरे भरे पेड़ पौधों का नष्ट कर दी। अपना बता दी कि सरहंग सरकारी नल से पानी भरे में रोक लगाए दी भे। पीड़ित उमेश सोनिया बताएं कि जमीन पर कब्जा की शिकायत करे रहे हैं, जोने के मुआयना करे पटवारी पहुंचे, जिनके सामने लाठी और डंडा से उन पर हमला कर दी, जोने माहू गंभीर रूप से घायल हो गए।
एकर जानकारी उडाल 100 और नईगढ़ी थाने में दिहिन। परिणता डाल 100 वाहन पहुंचा और नमय नईगढ़ी पुलिस रिपोर्ट दर्ज करे। बताइए भैया क्या समस्या? मैं उमेश सोनी नईगढ़ी से आया हूँ। मेरे ग्राम पकड़ा है, मेरे घर में जमीनी विवाद का विवाद चल रहा था, उसमें जो है हमारा नक्शा तहसीलदार साहब के यहाँ नक्शा तरमीन का विवाद चल रहा, पकड़े चल रहा है। इसके बाद भी उन्होंने आके हमारे चाचा के लड़के हैं वो राम से जी, वो रामविलास सोनी, सतीश सोनी, बालन सोनी, लव सोनी, कुश सोनी, सुनील सोनी, अनिल सोनी, सुशील सोनी और रमेश सोनी, ये सब मिलकर ग्रुप बना करके आए। तो हम 10 तारीख को पढ़वा, हमने 3 तारीख को तहसीलदार साहब के यहाँ आवेदन जो हमारा हरा भरा पेड़ का काट लिए हैं, हमका और बाग बगीचा काट लिए हैं, बाड़ी काट लिए हैं। उस समय मारपीट और गाली गलौज भी किए हैं? जी हाँ, उन्होंने मारपीट से गाली गलौज की है, तो मेरे को मारा, मेरी पत्नी को इतना मारा है कि उसको मतलब कमर में मतलब उसकी ब्लेड में दर्द हो रहा है, जांघों पैर मारा है, लाठी डंडा ले सकते। भैया बहने बुलेटिन की अगली खबर है पन्ना से, जहाँ सड़क के दोनों कई लोग अपन वाहनन का खड़ा करके चले जाता और आदत से अब नगर में जाम के समस्या बन रही है। नगर के बस स्टैंड तिराहा से छत्रसाल महाविद्यालय, SBI बैंक और केंद्रीय विद्यालय तक सड़क के दोनों कई दिन भर दुपहिया और चार पहिया वाहन खड़े रहा था। यही रास्ता में पड़े वाले प्रज्ञा ज्ञान मंदिर, रॉयल पब्लिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय के लड़कन का परेशानी के सामना करे पड़ा था। एक बाद यातायात व्यवस्था में लगे कर्मचारी दूर दूर तक देखे का नहीं मिला। कोरोना के बढ़त संक्रमण का देख के पन्ना के कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा शहर के सड़क पर निकल के कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाए रहे हैं। संजय कुमार मिश्रा लोगन का समझाए रहे हैं कि कोरोना के गाइडलाइन का पालन करा। अपने बताए रहे कि 2 दिन में ही पन्ना में 13 कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आए हम, जहां अब कोरोना के मामला का बढ़त देख के प्रशासन सख्त हो गया है। स्टिकर लगाया गया बसों पे, सारे बस मालिकों और ड्राइवर और कंडक्टर को बस में उन्हीं लोगों को यात्रा करने के लिए अलाउ करें जो मास्क लगाए हुए, अगर मास्क नहीं है तो बस मालिक मास्क रखें और यात्रियों को मास्क दें, और बिना मास्क के किसी को यात्रा नहीं करानी है। अगर बिना मास्क यात्रा करने करते पाई गई कोई बस तो उसके लिए फिर वैधानिक कार्रवाई की जाए, क्योंकि कोरोना महामारी अधिनियम लागू है और जिले में भी कोरोना के बढ़ रहे हैं, इसलिए सबसे मेरी अपील है कि बिना मास्क लें तो यात्रा नहीं करें। तो भैया भैरी आज के बुलेटिन में इतना ही। बघेली में खबर देखा के लाने देखत रही हमारे अरविंद के बघेली समाचार, और साथ है हमारे चैनल का लाइक सब्सक्राइब और शेयर करी। नमस्कार।